आपके अपने इलाके की खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं किरण शर्मा ग्राम पंचायत चकमो की प्रधान हूँ। मैं 3 दिन पहले एनआईटी हमीरपुर में आई हूँ और 3 दिन से अभी सुबह ब्रेकफास्ट किसी को नहीं दिया गया और यहाँ इतनी गंदगी है कि अच्छा वाला आदमी भी बीमार हो जाएगा और जो नहीं भी मरने वाला वो भी मर जाएगा। और मैं आप लोगों से उनकी बात कराती हूँ। अम्मा आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? है नहीं मिला ना? कल मिला था, कल भी नहीं इनको ब्रेकफास्ट मिला, आज भी नहीं ब्रेकफास्ट मिला। ये टाइम हो चुका है। अभी मैं आपकी एक बात कराती हूँ, फिर मैं आपको पूरी गंदगी दिखाती हूँ। दीदी आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? कल मिला था। टाइम क्या हो गया? 10:30 हो गए ना, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला। ये हालत है कि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमें हम बात भी नहीं कर सकते, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। दीदी आपको ब्रेकफास्ट मिला? नहीं मिला। कल मिला था ना? कल मिला। ये टाइम हो गया ब्रेकफास्ट नहीं मिला अभी तक, जबकि हमारी इम्यूनिटी जितनी पहले की है वो भी खत्म हो रही है। ये देखो, ये है, ये गंदगी है। अभी जाके ये देखो यहाँ पे, मैं सुबह गेट तक अपने ब्रेकफास्ट लेने गई थी, नीचे जाके मैंने हमीरपुर से ब्रेकफास्ट मंगाया था। ये देखो, क्योंकि हमने दवाई भी खानी होती है, इससे हम घर में अच्छे से रह रहे थे। ये देखो, यहाँ से कोई भी गिर सकता है, ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से भाग कैसे जाएंगे। और देखो ये बाहर जाने का रास्ता है, ये मेन गेट है, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब आप बताओ यहाँ कैसे रह सकते हैं, इतनी गंदगी में कोई रह सकता है? जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।